जीत वैब टीवी के दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ एन एस रामगढ़िया मुकेरिया तो अज तुहानूं असी और रिपोर्ट दिखा रहे हैं जिहड़ी माइनिंग का मुद्दा लैके पंजाब विच अकाली भाजपा सरकार नूं हरा के और कांग्रेस सत्ता विच आई सी और उस वेले कैप्टन अमरिंदर सिंह ते उहदे मंत्रियां उहदे सारी पार्टी ने मुद्दा बनाया सी पंजाब विच कि साडी सरकार आउण ते माइनिंग जिहड़ी है बिल्कुल खत्म कर दित्ती जाएगी। परंतु जेकर जिला हुशियारपुर के मुकेरियाँ और तलवाड़ा हाजीपुर एरिए की गल करिए इत्थे माइनिंग जिहड़ी है पहलां तो भी ज़्यादा कई गुणा ज़्यादा हो रही है। 100-100 फुट तो भी वध खुदाई की जा चुकी है और क्रैशर मालक जिहड़े है उन्हां दा जिवें पहला कम चलदा सी अकाली भाजपा सरकार समय उवें ही कांग्रेस की सरकार विच ये काम बड़े धड़ल्ले नाल जोर शोर नाल चलाया जा रहा है। जिहड़े विरोधी धिरां है वो रौला पा रही कि अज कांग्रेस के लीडर क्यों सुते पे हैं जिहड़े पहला 5 साल पहला रौला पाते और अज क्यों चुपधारी बैठे हैं और ये जिहड़ी रिपोर्ट है तुहाडे रूबरू कर रहे हैं आओ देखिए। पंजाब के सतलुज और रावी दरियावां दे विच माइनिंग माफिए वल्लों तबाही मचाए जाण मगरों हुण अपना रुख जिला हुशियारपुर दे विचों गुजरदे ब्यास दरिया वल कर लिया है। ब्यास दरिया के नज़दीक पंजाब ते हिमाचल दे विच लगे क्रैशरां वल्लों हुण कीती जा रही नजायज माइनिंग करके पानी के कुदरती वहाव नूं ही मोड़ दिता गया जिस कारण वातावरण के लिए गंभीर खतरा पैदा हो चुका है। इत्थे ही बस नहीं इस माइनिंग माफिए वल्लों मुकेरियां हल्के अंदर भी करीब 20 टोन क्रैशर लगा के वाही योग उपजाऊ जमीना विचों कानून नूं छिके टंग के 50 तो 100 फुट तो भी वध डूंगी खुदाई की जा चुकी है जिस कारण धरती हेठों सेम का पानी भी निकलना शुरू हो गया। परंतु हैरानी की गल यह है कि नजायज माइनिंग अजे भी जारी है अते इसनूं रोकण दी माइनिंग महकमा प्रदूषण विभाग माल महकमा वन विभाग नहरी महकमा अते PWD विभाग समेत किसी भी सरकारी महकमे वालों कोई सख्त कार्रवाई हुण तक नहीं की गई। असी दसना चाहवांगे कि जिहड़े ये पुल है जिस पुल के उपर असी खड़े हैं मौजूदा समय के लगातार डैमेज होने की कगार के उपर पुजिया होया है तो जिस पुल के उपर असी खड़े हैं ये एस्केप चैनल है शाह नहर बैराज के उपर पिंड सतमा के एस्केप चैनल बनाया गया बनाने की जरूरत की भी भविख के जे अगे कि पानी को लैके जा इस शाह नहर को लैके कोई खदशा होंदा है तो इतों पानी रिलीज़ किया जाता सी तो यह दोबारा तो ब्यास दरिया के नैचुरल कोर्स के इतों पानी रल जाता पर माइनिंग माफिया के लगभग इतों 7 से 8 क्रैशर की जी ट्रांसपोर्टेशन है वो साडे पिंडां दे जरिए इन पुलों के उपरों हो रही है। लगभग सैकड़ों टन मटीरियल लैके रोज़ाना इसे पुल उपरों क्रॉस कर रहे हैं कोई भी अधिकारी जिहड़ा है इहदी देखी जा इहनूं रोकण दे लई अजे तक नहीं बोलिया। पर इसे नाल ही असीं दसना चाहवांगे भी एक टोटियां पिंड दे विच 695 नंबर पुल है एस्केप चैनल वो इन्हां माइनिंग माफिया की पेट चढ़ चुका है। SDM मुकेरियां वल्लों उहनूं अणसुरक्षित ऐलान के पर उहदे आवाजाई नहीं हजे तक भी बंद कराई लोग अज भी उत्थे प्रोटेस्ट करते हैं गड्डियां रोकते हैं पर कार्रवाई के नाँ के उपर जिहड़े लोग खनन माफिया का विरोध कर रहे हैं प्रशासन माफिए की मदद के नाल उन्हां दे उपर ही परचे दर्ज करके झूठे परचे दर्ज करके उन्हां दी आवाज़ नूं दब रहा है। तुहाडे माध्यम के नाल असीं दसना चाहवांगे जिहड़े हाजीपुर के गैर कानूनी खनन हो रहा जिथे साढ़े 600-150 फुट तक वाहीजोग जमीना पट्टियां जा रही उत्थे ही साडे लोगों के टैक्सा के रूप के लगे पैसे दे नाल ये जिहड़ी सरकारी संपत्ति उसारी हुई है ये शाह नहर बराज जिहड़ा उसारी हुई है ये पुल बने हैं सड़क बनिया है ये माइनिंग माफिया अपने निजी हित दे लई उन्हूं भी वड्डे पद्धर से अपना शिकार बना रहा है। ये जिहड़ा माइनिंग नजायज़ हो रही है इत्थे ये अकाली भाजपा सरकार के पहले कार्यकाल तो शुरू होया काम और जिहड़ी सत्ता च हुण सरकार आई है इन्हां ने वादा किया कि असीं ये बंद करांगे पर अज तुसीं देख सकते हैं कि ये कुर्सियां जरूर बदलियां चेहरे जरूर बदले है पर माइनिंग उदा ही कंटिन्यू चल रही है। हालात यह है कि इन्हां पिंडां दे विच लोकां दा जीवना दुबर हो चुका है और ये तो भी वड्डी गल जिहड़ी है सरकार एक पासे कह रही है साडा जिहड़ा खजाना है वह खाली पिया दूजे पासे जिहड़ी बहुत जिहड़ी संपत्ति है सरकारी उन्हां दी नास पड़ दित्ती है क्योंकि जिन्नी भी माइनिंग हो रही है इहदे लई जां तां सरकारी जमीना जां दरिया वो पट्टे जा रहे ने दूजे पासे जिहड़ी माइनिंग कंसाइनमेंट है जिहड़ा मटीरियल है उहदे लई जिहड़े रस्ते अख्तियार किए गए हैं माइनिंग माफिया वल्लों वह सारे ही जां तां दरिया दे नाल लगदियां नहरां उहनां दे उपर बने पुल है वह हैगे है और पिछले लंबे समय तो तुसीं देख सकते हैं ये जिहड़ा बैरिज बनिया पिया ये मुकेरियां हाइडल चैनल है ये एस्केप चैनल है और इहदी हालत देखो की है पिछले लंबे समय तो इहदी जिहड़ी है इस इहदी रिपेयर नहीं हुई
और ये खस्ता हालत दे विच है, और इन्हां दे पुलां दी हालत जिहड़ी इस वेले ये भी खस्ता हाल है, रिपेयर ना होण करके इन्हां दे उपरों भारी भरकम गड्डियां जा रही ने। यह खदशा जाहिर किया जा रहा कि जे ये यही हालात रहे तो आने वाले समय के जिहड़ा सिस्टम बनाया सी लोगों के पैसे दे नाल वह आने वाले समय के ढह ढेरी हो सकता। बरसात का सीजन सिर ते हैगा, चल रहा हैगा, सरकार वालों कागजां दे विच ये दावा किया जा रहा कि बरसात के मौसम के माइनिंग जिहड़ी है रिवर बैड ते माइनिंग जिहड़ी है टोटली बंद है। तुसीं देख सकते हैं गड्डियां लंघ रही हैं, कंटिन्यू माइनिंग चल रही है। प्रशासन नाल गल करिए, अधिकारी है एक दूजे के उपर गल सुटदे आ, इत्थों बचण की कोशिश करदे आ। ऑफ द रिकॉर्ड ये गल करती है कि इनू रोकना साडे लई हुण संभव नहीं क्योंकि इहदे ते सरकार दा सियासी लोकां दा हत्थ है। धन्यवाद। इन्हां क्रैशरों के खिलाफ कार्रवाई ना होने का वड्डा कारण पंजाब दा माइनिंग दे नाल संबंधित एक वड्डा ग्रुप है, जो कोई भी सरकार होवे क्रैशर इंडस्ट्री इन्हां दे इशारे तो बगैर नहीं चलाई जा सकती। इस माइनिंग माफिया दे विच जुड़े लोकां नूं राजनीतिक शरण प्राप्त होने करके ये बड़े आराम दे नाल सब कुछ अपने काबू दे विच करी बैठे हैं। सूत्रों मुताबिक हरेक क्रैशर से बजरी और रेता की असल कीमत उपर प्रति सैकड़ा 500 से 600 रुपए तक अलग खर्चा वसूलिया जा रहा है। इत्थों तक कि जेकर कोई महकमा या मीडिया इन्हां खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करता है तो उसकी आवाज नूं दबाउण दे लई किसे हद तक भी ये चले जाते ने। पिछले 10 साल तो अकाली बीजेपी गवर्नमेंट वालों जिहड़ा काला जिहड़े काले कारनामे शुरू किए सी, साडी जिहड़ी इस हाजीपुर ब्लाक की जिहड़ी जमीन बंजर बनाता इन्हां लोकां ने। तुसीं देख सकते हो कि आ 90-90 फुट माइनिंग थले पानी भी कढ़ता हैगा। असी अज दौरा कर रहे हैं सारे हल्के का, असी जो सानू देख के वह साइड से मशीन है वह इतों कढ़ के लै गया हैगा कि यह जी माइनिंग हैगी है कि देखरेख हो रही है। एक पास जी सरकार कह रही है, डीसी मैम कह रही है कि माइनिंग बिल्कुल बंद है, दूसरे पास जो अभी दौरा किया सारे हल्के का क्या जी माइनिंग हो रही है, यह किसी सरप्रस्ती हो रही है। मैं इतने सवाल पूछना चाहना इतों हल्के की विधायक जी इंदू वाला कि तेनों नहीं पता कि तेरे हल्के की हो रहा, और जिन्हें गल की काले धंधे से जिन्हें शुरू किए थे अकाली बीजेपी गवर्नमेंट ने वो सारे धंधे अडोप्ट जे असी कह लिए अज तो अडोप्ट कर लिया कांग्रेस सरकार ने। यह जिन्हें भी क्रैशर चल रहे, मैं तुम्हें दसना चाहना जिन्हें भी क्रैशर चल रहे हैं ये सारे जी सरप्रस्ती MLA की है, और जेडे क्रैशर के हले मालिक है, कई मालिक जे है वो इतों मकेरिया जे कांग्रेसी कारकुन से जे हर वे अंग संग रेंदे है, ये मालिक बन चुके इन्होंने क्रैशर के। ये साड़ी पुरजोर मंग है कैप्टन अमरिंदर सिंह जी अगे कि अखा खोलो, जागो, और जी मकेरिया हल्के की जी जमीन बंजर होंगी जा रही है, मकेरिया हल्के का जो पानी खत्म हों जा रहा, आड़िया नहर जिन्हें जाल बिछाया सी अज असी अपनी सिंचाई नहीं कर सकते अपने खेतों में, जे यही हाल रहा तो जी सा पानी भी खत्म हो जाएगा, साड़ी जमीना भी खत्म हो जाएगियाँ, तो जो जिमीदार तो जो अगे है वो अगे करजे के बोझ थले बहुत दबिया होया, जिमीदार को सुसाइड करने तो अलावा होर कोई चारा नहीं रह जाएगा। सर ये पुली हैगी है एक्चुअली माइनिंग माफिया ने रल के प्रशासन रल के नजायज़ तरीके बनाई गई है, इधरों कोई रस्ता नहीं है इस साइड तो कोई भी इस साइड आने वाला रस्ता नहीं है। जो उस साइड से रस्ता अपने SDM साहब ने बंद करता, उन्होंने को आने जाने रस्ता नहीं कोई भी, उन्होंने इस साइड तो रस्ता बना के आ पुली इलीगल तरीके बनाई। इतने भी पहला पुली किसी प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की, जिसलिए पुली बन गई फिर उस तो बाद उन्होंने 2-3 दिन इतने रफड़ पिया रहा, उस तो बाद इन्होंने कोई समझौता करके प्रशासन नाल जां महकमे नाल रल के उस तो बाद पुली नूं चालू किया गया, तो उस तो बाद लगातार इस साइड तो भारी गड्डिया की आवाजाही हैगी है। आप तुसी हालात देख लो पुली दे की है गया, मेन सिंचाई का साधन साडे खेतों वास्ते आई होगा मेन, आज जे बंद हो गया तो साढ़े सार लगभग 5-7-10 किलोमीटर एरिए पानी का कोई साधन नहीं है खेतों की सिंचाई का। ये आपसी मांग करते हैं प्रशासन तो कि आ इलीगल जी साइड तो ट्रांसपोर्टेशन है वो बंद की जाए ता जो साढ़े फसलों का कोई नुकसान ना हो। बहुत जद्दोजहद के नाल इस पुल के उपरों पहला जी माइनिंग वाली गड्डिया से गुजरदिया सी, मगर इस जिहड़ा पिंड जिहड़े हैगे है सथमा है रोली है टोटे औलाहा इन्हां पिंडां दे दबाव दे तहत इस पुल के उपरों गल की जी माइनिंग हो रही थी नजायज़ जी माइनिंग की गड्डी लग रही थी वो रोक दी गई, मगर सरकार ने जिहड़ी सरकार ने माफिया नूं फायदा पहुंचाने के लिए जिहड़ा परला रस्ता जिहड़ा इनलीगल रस्ता हैगा उत्थों अपनी पुली जिहड़े माइनिंग वाले ने पुली बना के उत्थों गड्डियां टपाणी शुरू कर दित्तियां। अगर वो गड्डियां बंद ना कीती गईयां तो जिहड़ी वो नहर कंढी कनाल नहर जिहड़ी हज़ारां एकड़ जमीन नूं पानी दिंदी हैगी है वो जिहड़ी नहर बह जाएगी, और जिहड़ा जिमीदार है वो तो अगे जिहड़ा कर्जे दे बोझ थले दबिया होया अगे खुदकुशियां कर रहा है, और जिमीदार की जिहड़ी अपने काम करन की समर्था कह लो जां अपने बच्चे जिहड़े पाल रहे है वो सारा कुछ खत्म हो जाएगा। असीं मंग करते हैं पंजाब सरकार कोलों मंग करते हैं क्योंकि प्रशासन तो रलिया होया माफिया के नाल, MLA जिहड़े इत्थों दे हैगे मकेरियां दे जिहड़ी MLA वो रली हुई है, वो रहमनाई हटा जिहड़ी माइनिंग हो रही है और जिहड़े रस्ते भी इनलीगल कट्टे जा रहे हैं। असीं माइनिंग
ਆਪਣੇ ਕਰਦੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾਗੋ ਜਾਗੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਤਲਵਾੜਾ ਦੇ 52 ਗੇਟਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੀਰ ਥਲ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੋਨ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਕਰੀਬ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਦੈਂਤ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੇਰਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੇਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਔਰ ਇਲਾਕਾ ਮੁਕੇਰੀਆਂ 'ਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਥਰੂ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, SSP ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਪੱਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ 2017 ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ, ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਰੱਖਿਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦ ਤੱਕ 3 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ 1% ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਨਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਹੱਦਬਸਤ ਸੰਧਵਾਲ, ਹੱਦਬਸਤ ਸੈਦੋ ਨਸ਼ਹਿਰਾ, ਹੱਦਬਸਤ ਧਾਮੀਆਂ, ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ 300 ਕਿੱਲਾ ਰਕਬਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 80 ਤੋਂ 100 ਫੁੱਟ ਦੇ ਡੂੰਘਾ ਲੈ ਕੇ 25-25-30 ਕਿੱਲੇ ਪਲਾਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਵਿਜਿਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਪਿਕ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, DC ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, SSC ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਦਿਨ 'ਚ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਤੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰਿਟ ਪਾ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦੇਣਾ, ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਕਰਕੇ ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਤਿਆਰ ਆਪਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਦਿਖਦਾ, ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ 'ਚ 100-100 ਫੁੱਟ ਦੇ ਖੱਡੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, 25-25-30-30 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਦੇਣਾ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕੰਢਾ ਕਿੱਥੇ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਤਲ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਵੈ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, SSP ਨੂੰ, ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਵਿਜਿਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣੇ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਅਜੀਤ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਦੇਖਿਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂਗਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੱਡਾਂ ਨਿਲਾਮ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਪਰਟੀਕੁਲਰਲੀ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮਾਈਨਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਲਾਕ ਹਾਜੀਪੁਰ 'ਚ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਤਲਵਾੜਾ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਫੀ ਡੂੰਘੀ ਮਾਈਨਿੰਗ 100 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੋਈ ਹੋਈ ਆ, ਆਕਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਓਗੇ। ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਾਈਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੰਦ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਅਸਰ।
ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਸੱਚੀ ਖਬਰ। ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਪੈਣੀ ਨਜ਼ਰ। ਪਿੰਡ ਕਸਬਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼, ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ। ਕਲਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਹਰ ਮਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਹਰ ਆਮੋ ਖਾਸ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ। ਆਪ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ। ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ ਅਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਤੇ ਸਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ।